प्यारे दिल्ली वासियों, आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे। सुबह जब हम मंदिर में गए तो वहां पे एक फूल के विक्रेता से, दुकानदार से मेरी बात हुई, तब उसने मेरे को फूल के बारे में किस्सा सुनाया। हर फूल को भगवान का श्रृंगार नसीब नहीं होता, हर फूल को भगवान के चरण नसीब नहीं होते। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो मरकट पर चढ़ाए जाते हैं, कुछ फूल साजो सज्जा में यूज होते हैं, कुछ शादी में यूज होते हैं, कुछ फूल ऐसे होते हैं जो पैरों में रोन दिए जाते हैं। ये किस्मत फूल ऐसे पैदा होता है लेकर कि एक फूल ही भगवान के श्रृंगार में यूज होता है, एक भगवान के दरबार की सजावट के लिए यूज होता है, एक भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है, एक पैरों के अंदर रोन दिया जाता है। एक फूल ऐसा होता है जो माला बना के किसी नेता का स्वागत किया जाता है, किसी बड़े आदमी को सम्मान के देर में दिया जाता है। एक फूल ऐसा होता है जो बुक्के में सच के सम्मान के तौर पे दिया जाता है। पूरे विश्व के अंदर ऐसी चीजें, बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी को बुक्का देख के सम्मानित किया जाता है। तो जो एक फूल की किस्मत है, खेत में पैदा करने वाला माली और खेत में पैदा होना वाला फूल जब उस बगीचे से चलता है तो ये उसकी किस्मत पर निर्भर करता है कि वो कहाँ पहुंचता है। किसी बड़े प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, ये किसी बड़े सेलिब्रिटी के, किसी RW रिप्रेजेंटेटिव के, किसी मंत्री के, संतरी के हाथ में बुक्के बन के पहुंचता है, भगवान के माथे पे शीश के ऊपर चढ़ता है या चरणों में गिरता है या पैरों तले रोन दिया जाता है, ये एक फूल की किस्मत पर निर्भर करता है। तो साथियों, इस कैसी ये रखती है कि सबसे बड़ी चीज है किस्मत। सभी इस देश के अंदर जितने नागरिक हैं अपने अपने जन्म के हिसाब से, कर्म के रूप से जन्म लेकर आए हैं, लेकिन उनका जो आगे तय होता है कि किसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है, ये तय होता है उस आदमी की कर्म से कि वो किसके हाथ में जाता है और उसकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। इस फूल की बात से आज ये बात किसी की मिलती है। इसी के साथ इस शब्दावली को विराम देते हैं और इसका टाइटल रखेंगे किस्मत एक फूल की। धन्यवाद।